अरे शिवा, इतनी रात हो गई है खड़े खड़े, कोई वाहन भी नहीं मिल रहा है, हम कैसे जाएंगे? हाँ वो तो है, इतनी रात तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे घर वाले देखते देखते यहीं ना आ जाए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, बस देखो अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ देर में कोई ना कोई वाहन जरूर आता ही होगा। अगर कोई वाहन आ जाए तो ठीक है, यहाँ से निकल जाए तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। निकल तो आए घर से, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ डर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक जंगल जंगल ही जंगल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सुनसान। खैर कोई बात नहीं, कोई आता ही होगा, कोई ना कोई आता ही होगा, इंतजार करते हैं। हाँ वहाँ जो लाइट जल रही है देखना, लगता है ना कोई रहता है। हाँ शायद बस्ती मालूम पड़ती है, है ना? आओ चलो वहाँ, शायद कोई मिल जाए हमें। ठीक है आओ। नमस्ते अजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते, मैं पूछूं इतनी रात गए कित से आ रहे? जी यहाँ कोई गाड़ी मिल जाएगी, हमें पंजाब जाना है। गाड़ी पंजाब जाना है तेरे को? हाँ जी जी। अच्छा लेकिन ये बताओ मेरे को, इतनी रात गए तुम लोग, कभी भगवा के तो नहीं आए कहीं से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं, ऐसा तो दरअसल से आ रहे हैं ना, तुम्हारे को लगे तो ऐसा ही है कि तुम कभी कहीं से भगवक के आए हो। नहीं दरअसल बात मुझे लग रहा है तुम लोग प्रेमी लगो। हाँ अब बोल भी दो, हमारी आंख दूर तक की चीज को पहचान ले। अरे जी लव सब का मामला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अजी बोल भी दो, बोल भी दो। हाँ हमने प्यार किया और हम जो है घर से भागे हुए। लो जी कर लो बात, तुम लोगों ने प्यार करा तो डरते क्यों हो? हमारे हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करा रहे थे, ना वो हमारे इस रिश्ते से राजी थे। प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरा करते, ठीक है ना? काम करो जी। हाँ। तब मेरे घर चलो, हो सकता है मेरा लोग ट्रक चलावे, वो तुम्हारी मदद कर दे। ठीक आओ। नहीं नहीं घर नहीं चलो। अरे डर मत बहन, तेरे जैसा लव भी मारे ने किया है। हाँ आजा, शायद लगता है मदद करेंगे हमारी। इतनी भी बुरी ना हूँ मैं, समझ में आ गई ना? आजा चल। रुको मैं अपने लोग को बुलाऊं। अरे सुने के, अरे कित गया? अरे के हो गया सुनियो, के हो गया भाई? ये किसे उठा लाई? अरे उठा के ना लाई, पागल हो रहे हो तो? इन लोगों ने प्यार किया से। प्यार किया से और के? तू इधर आ। हाँ भाई मुड़िया, की गल है भाई, कहाँ जाएगा? नमस्ते। नमस्ते वमस्ते तो ठीक से, लेकिन यू बता कि कहाँ से आया और कहाँ को जाना है सारे को? मैं दिल्ली से आए हम दोनों और हमें पंजाब जाना है। प्यार करे हो? हाँ। प्यार करे हो ना? कर चुके जी, तू भी कैसी बात करे? अरे मुंडिया रे थोड़ी पूछ तो ले दिया कर, सुनिए। अरे मेरा कहने का मतलब यू से है कि ये दोनों प्यार करती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना घबराया हुआ क्या है, जवान पट्टा मर्द हो रखा है तू, इतनी सी बात में घबरा रहा है कि? मुझे मतलब डर लग रहा था कि बस इस वजह से। डर लग रहा था? अरे डर लग रहा था तो इसको भगा के काहे बुलाया? देखो डरने की क्या जरूरत है, देख मैं भी अपनी सोनियों से बहुत प्यार करता, इसका बाप हमारी शादी के लिए तैयार ना था। अब सुन लो, उठा लाया ट्रक की छत पे बैठा के लाया, और ट्रक की छत पे बैठा के जब लेके आया तो ये समझ गए यहाँ आके सेटल हो गया। एक गर्ल्स है कि जब इसको लेके आया ट्रक पे बैठा के तो 3-4 बार रास्ते में पंचर हो गया। कैसी बात करने लाग रहे हो उनसे? मैं बात यूं करने लाग रहा हूँ, मैं थारी तारीफ कर रहा हूँ कि तू कितनी सोनी है। अब देख थारे से प्यार करता हूँ, जब तो थारे बाप के यहाँ से थारे को भगा लाया, इसका बाप 3 महीने भागा और 3 महीने बाद बुड़ गया। हाँ, अब बात ये है मैं तो हरियाणा से हूँ, यू मारा लोग पंजाब से है, चंडीगढ़ से। हाँ जी हो गया, अब थोड़ा अब आराम महसूस हो रहा है कि ना, सही आदमियों के हाथ में फंसा है तू। मारी बात सुन सुन के इसके चेहरे पे देख कैसे ग्लो छा रहा है ना। बस एक बात तो से जोड़ा बड़ा सोना है। सोना तो मारा भी था, अभी तो ये नया नए है ना, जब पुराने हो जाएंगे तो फिर दूसरे जोड़े अच्छे लगेंगे। घनी रोमांटिक हो जावे छोटी छोटी बातों पे, चिंता मत। यू बता रोटी वोटी खाई गए ना तुमने? हाँ वो पीछे ढाबे पे हम खाए, बढ़िया रोटी खाड़ी से ना। जी जी। अच्छा यू बताओ कि यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो भी हम ट्रक से ही आए थे, ट्रक वाले ने छोड़ा था हमें। वाह जी वाह, कुछ भी कहो ट्रक वाले दिलदार बड़े हूँ, किसी को परेशान देख ना सके हैं,
तुरंत कोई भी आदमी परेशानी में दिखे तुरंत उसको छोड़ दो और तुम तो प्रेमी जोड़ा सो, प्रेमियों का साथ देना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अब चिंता ना करो, जाओगे कहाँ यू बताओ बस। पंजाब जाना है हमें। पंजाब जाना है हाँ। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत ना, क्योंकि करतार सिंह के यहाँ किसी की इतनी हिम्मत ना कि घुस जाए और फिर हमारा बुलडोजर हमारे साथ रहे। अगर कोई आएगा तुम्हारी सुनियो है ना मारने के लिए उसको। पुरानी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। अच्छा। और सुन, हमारी को ट्रक चलाना पसंद था तो ट्रक ही ले आया हमें। ट्रक नहीं? हाँ हाँ ट्रक ही ले आया। क्या? अरे कुछ ना सुनियो, यो करो जाटनी सा जाटनी, हमारी ठाटनी और तू है मेरी जाटनी। चलो आओ अंदर आओ, आराम से अभी सो थोड़ी बहुत देर आराम करो। इसकी बात का बुरा ना लगे, ये मारा लोग ऐसा ही है। चलो तुम दोनों अंदर चलो, थोड़ा मुँह हाथ धो लो और क्या कहते हैं आराम कर लो। सुबह 4 बजे मैं अपना ट्रक लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलना, तुम्हें जहाँ उतरना। अरे हाथ की बाजरे की रोटी और चने का साग खाओगे ना तो थोड़े मोटे भी हो जाओगे। चढ़ जाएंगे इनके, हम लोग झेल सके हैं, यूं कहाँ झेल लेंगे। अरे हम तो झिलवा देंगे। चलो जी चलो, आओ जी आओ आओ अंदर चलो। आओ ना। अरे अपना ही घर समझो, बेटे जड़े। और तू तू बता बड़खुदा, तुम्हारे पास बैठ, तू क्या देख रहा है? अच्छा यू बता। हाँ यू भाई प्यार हुआ कैसे, कहाँ की सही लड़की ये? मतलब दिल्ली की यही है, कॉलेज की फ्रेंड से है थारी। हाँ हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे भाई। यू बात बड़ी अच्छी लगे भाई को, साथ में पढ़ो दोस्ती भी हो जा, दोस्ती के बाद में प्यार हो जा, प्यार के बाद में शादी हो जा, सब जान पहचान बड़ी रही। वैसे कुछ भी कहो तुम, जोड़ों का जोड़ा बड़ा बढ़िया है। पर तू हंसता रहा कर, तू थोड़ा मुस्कुराता नहीं है, तुम्हारे को ये लगता है कि तू डरता से। मतलब ऐसा है, हम दरअसल नई नई जगह है ना आपके साथ, तो हाँ ये बात भी ठीक से भाई, नई जगह को समझना बड़ी टेढ़ी की रोग है, पर डरने की कोई जरूरत ना है। जब तक करतार सिंह है किसी की हिम्मत ना कि थारे ऊपर कोई उंगली भी उठा जाए। अच्छा एक बात और बता। हाँ इसका बाप क्या करता से? इसके पिता इसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है, भसेवाड़ी की लोडिया है। हाँ उसे कोई बखाड़ा है? एक बात और बता। हाँ तू भी कुछ करता है कि ऐसे ही फुटकट में उठा आया? नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था, पर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अच्छा यू बता पैसे वैसे हैं थारे पास? इसको रखेगा कैसे भाई? कुछ हैं कुछ, अब मैं कुछ काम लगा। कितने रुपए लेके आया है घर से? मैं लेके तो तकरीबन 20,000 रुपए आया था। बहुत अच्छे। अब यू बता के शादी जो करेगा तू, वो कोर्ट मैरिज करेगा या मंदिर में फेरे डलवाऊ? अब ये तो अभी कोई ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो गया। मैं थारे को ऐसे जाने ना दूंगा यहाँ से, क्योंकि भाई अगर यहाँ से चला गया तू और किसी ने थारे को पकड़ लिया इसके बाप ने, तो वो तो तेरे हड्डे तोड़ देंगे, और हड्डे तोड़ देंगे तो तुम्हारे को बड़ा दुख होगा, क्योंकि जब कोई प्रेमी पिटे है तो तुम्हारे शरीर पर खंजर चले हैं। चिंता ना कर, जब थारी शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद थारा दारो मदार थारे कंधों पर आ जाएगा, और थारे कंधों पर आ जाएगा तो तू इस लड़की को इसके घर लेके जाइयो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं लेके जाऊंगा, वो लोग मुझे मार देंगे। डरता काहे को है, फालतू में डरा जा रहा तू है। मैं हूं ना, अरे मैं हूं, वो तुझे मारेंगे ना, उससे पहले मैं उन सब लोगों को मार दूंगा। इतना बर्स है मारे, किसी को भी 2 मिनट में टपका दूंगा, इसकी चिंता तू ना कर। उनको मरा दियो और फिर मन जाएंगे तो और अच्छा होगा। जब शादी हो जावे है तो थारा भी घर होगा, उसका भी परिवार होगा। जब दो ऐसा हमारे साथ हो चुका है, देख मैं थारे को अपना समझ के ये बात बता रहा हूँ। देख मैं भी अपनी सुनियों को भगा के ले आया, अब भगा के तो ले आया, लेकिन बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। वो तो ये कह रहे कि जाट को छठ बुढ़ी हो गए, जाट बुद्धि थी ना दाड़ी में भगाड़ आया, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास हमारे को तब हुआ जब मेरे सोनियों के साथ में हमारा जीवन गुजरा। लेकिन हमारी सोनियों है बड़ी प्यारी, मेरा साथ हर कदम कदम पे दिया उसने, लेकिन हम लोग अपने परिवारों से दूर हो गए, समझ रहा है? इसलिए हमारा कहना तो यूँ है कि तू इस लड़की को जहाँ से लाया है वहीं वापस लेके जा, और मैं थारे साथ चलूँगा। सुन तू से हमारी बात सुन ले, मैं थारे साथ चलूँगा और तू इस बात की चिंता ना कर कि थारी शादी ना होगी। थारी शादी मैं खुद खड़े होकर वहाँ जाके करा के आऊँगा, और इसके परिवार के जो भी इसके घर के बड़े होंगे उन सबसे मैं अपने हाथ जोड़ के विनती करके और तेरी शादी के लिए बात करूँगा। मारे को ये बता कि तू भाग के क्यों आई? मम्मी पापा एग्री नहीं थे शादी के लिए, इसलिए हमने सोचा कि कहीं बाहर जाके शादी कर ले। तो माँ बाप एग्री थोड़ी ना हुआ करें,
तू बता, तू तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। मैं तेरे को इसीलिए समझा रही हूँ कि तू तुम्हारे को बहुत अच्छी लगी, घनी अच्छी लगी है के ना। पर मैं एक बात तेरे को बता दूँ कि तू न जाने से कि माँ बाप के दिल पे क्या बीते से, औलाद अगर गलत कदम उठा ले से ना, तो समाज में माँ बाप की कित भी इज्जत ना रह जासे। और अरे ना एक गरी से तो तू कर लेती, लेकिन भाग के को नहीं आना था तेरे को। मैंने बताया था लेकिन वो नहीं हुए राजी। देख, माँ बाप का सबसे बड़ा सपना हो गया कि उसकी औलाद उसकी पगड़ी को ऊंचा, मतलब ऊंचा करे। और ऐसा कदम उठा के देख, मन ने भी शादी करी से, मैं भी ऐसे ही आई थी, लेकिन मारा तो मामला सारा सोल्व हो गया। लेकिन तुम्हारा तो ताजी ताजी मामला से इसमें खून खराबे भी हो जासे, दूसरे एक दूसरे को गोली भी चल जासे हैं। अच्छा ये बता, तेरा नाम कैसे है? अंजू। कितना अच्छा नाम है अंजू। तेरा बाप क्या करे से? दिल्ली में बिजनेसमैन है। ले तो अब उनकी क्या इज्जत रहेगी होगी हैं? उनकी बेटी ऐसे भाग के आई से, तो प्यार करने में कोई गलती ना से, कोई परेशानी ना से। लेकिन ये चीज उनसे पूछ, अपने माँ बाप से पूछ जाके उनके दिल पे के बीते से। और एक काम कर सुन, कोई बात ना से, तुम्हारे संग चल तेरे घर, हम ले चल ले तेरे को। नहीं, वो हम दोनों को अलग कर देंगे। कोई अलग ना करे से, हमारा लोग है ना, अब तक 4-5 लोगों के लब जुड़वा चुका, तो थारे भी लब जुड़वा ही देगा। तू काय को टेंशन ले रही से? अरे ये समझ ले के मारे लोग ने इस चीज की पढ़ाई या डिप्लोमा कुछ ना करा, यहाँ से करे वो, यहाँ से सारी चीजों को। चल मारे साथ चला, मारे साथ चल। तेरे माँ बाप गणे परेशान हो रहे से है ना, उनके दिल पे के भीतरी होगी कि मारी बेटी मारी बच्ची कित चली गई। चल हम भी दिल्ली चल रहे से तेरे साथ, और तेरी और उस लौंडे की शादी करा के। क्या सच में हम दोनों की शादी करा? मारे ऊपर विश्वास ना से तेरे को है ना, मन ने अपनी बड़ी बहन मनाया ना तन्ने, तो फिर चल तन्ने भी मैं छोटी बहन मानू सु। आजा चल, टकर करने की कोई जरूरत ना, अब आराम से टेंशन मुक्त हो जा, तू करतार सिंह के आ गया। अजी सुनो के, चलोगे ना अब? हाँ समझा दिया गुड़िया ने, बढ़िया तरह से समझा दिया, इसके दिमाग में खूब कूट कूट के भर दिया। चल तो चल, सोड़िए एक घर और नया बसा दे रहे हैं भाई, तू काम ही हुई से। अरे मारे को तो भगवान देख रहा, मारे को तो कोई हमारी बुराई ना करेगा तो, मतलब भलाई ना करेगा तो बुराई भी ना करेगा। एक काम कर ली, छोड़ने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम कर ले, अपने लिए 16 पराठे तो रख ले भाई, थारे को इतनी भूख लगे है कि हमारा होटल का बिल ही बर्बाद हो जाएगा। तू ये बता, हमारा लोग से क्या दुश्मन से है? तू इन लोग का के सामने मारी घनी बेइज्जती कर रहा है? टांग खींचने में बड़ा आनंद आवे, लेकिन दिल की बड़ी साफ से। यू मारा लोग ऐसा ही है, थोड़ा मेंटल है ये। चलो तो चलो, चलो जी चलो, तुम्हारे बहुत अच्छे हैं तुम। पाजी तो अच्छे से, अब था तुम पाजी तो अच्छे से, लेकिन तू भी अच्छा बन जाइए इसका, जब लोग बन जा वैसे ठीक है ना। कमी ना हो जाए लड़की को, नहीं तो टांग तोड़वा दूंगा। हां करता ना, हम घर बसाना जाने तो तोड़ना भी जाने तारे को। चलो जी चलो, तुम्हारे परिवार से भी बात करनी चला भाई। हमने ना यू मान जड़ा फड़ा के बहुत बड़ी गलती की, अब पूरा राय तुम्हारे को बटोरना पड़ेगा। चल छोड़ियो, चलो ना, थारी भी जरूरत पड़ेगी बॉक्सिंग अगर किसी को मारना पड़ गया तो, तू तो ये आगे अजी पहले तो ऐसी जरूरत ना पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ गई तो। चल बढ़िया, तू ऐसा कर सुनियो, तू इन दोनों को लेके बाहर पहुंच और भारी इनका सामान भी रखा से, मैं जब तक लॉरी की चाबी ले आता हूं। चलो 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 मारी गल, चलो दोनों आ जाओ। यही मारा ट्रक है, यही चला है मारा लोग। ये इसका ट्रक से और ये हमारा ट्रक से। चलो जी चलो बैठो, अब के अब पूरी से दास्तान बता देवेगी ना। बैठो जी, आज आज आया तो ऐसी शक्ल बना के जैसे ओले बरस रहे हो। चलो जी बैठो बैठो, देर करने की कोई जरूरत ना, मैं थोड़ा पानी, मैं जब तक पानी भर देता हूँ ट्रक में, है कि नहीं? रास्ते में चल रहा हूँ।